हेलो दोस्तों, मैं निखिल आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली खबर यहां पे निकल के आ रही है, यूएस के एक लेडी से जयपुर के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। इन्हें तकरीबन 300 रुपए की ज्वेलरी 6 करोड़ के अंदर बेच दी गई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम है ये। दोस्तों, ये जो लेडी है ये बहुत टाइम से उस सेलर के साथ में ट्रांजेक्शन कर रही थी। काफ़ी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन किए गए थे यहाँ पर, लेकिन जब इन्हें शक हुआ उस ज्वेलरी के ऊपर तो इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया उस बारे में, और इन्हें जब पता चला कि ये बहुत बड़ा स्कैम है तो वो जयपुर आई और उन्होंने उस बंदे को करने का ट्राई किया, लेकिन वो बंदा मतलब भाग चुका था तब तक। तो अभी इन्होंने जयपुर के अंदर इस रिगार्डिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई है और यूएस की एम्बेसी को भी इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट किया है। अब देखते हैं ये जो स्कैमर है कब पकड़ा जाता है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों निकल के आ रही, ग्रो का एक्टिव क्लाइंट बेस 10 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर गया मई के महीने में। और दोस्तों बताना चाहूंगा, किसी भी ब्रोकिंग फर्म का ये ऐसा पहला अचीवमेंट है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों निकल के आ रही, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का वैल्यूएशन 16.4 बिलियन डॉलर हो गया 2024 के अंदर। दोस्तों बताना चाहूंगा, 2022 में जो इनका वैल्यूएशन था वो 8.5 बिलियन डॉलर था और अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है वो जस्ट डबल हो गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया में जो आईपीएल है यानी कि क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और दोस्तों इनके जो टेलीकास्ट राइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं, तो इस वजह से आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो इतनी ज्यादा बड़ी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहां पे नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही, इलोन मस्क ने ओपनएआई और इसके सीईओ सैम अल्टमैन के अगेंस्ट में जो लॉसूट दायर किया था उसे अभी इन्होंने विथड्रॉ कर लिया है। दोस्तों इलोन मस्क का इनके ऊपर ही एलिगेशन था कि जो ओपन एआई को स्टार्ट किया गया था वो एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट बनाने की ओर ही ध्यान दे रही थी, इसलिए ये लॉसूट दायर किया गया था। अभी के लिए दोस्तों इलोन मस्क ने इसे विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है, यहाँ पे पॉकेट एफएम ने दिल्ली हाईकोर्ट में डिजनी प्लस हॉटस्टार के अगेंस्ट में कॉपीराइट वायलेशन केस दायर किया है। दोस्तों पॉकेट एफएम का यहाँ पे कहना है कि डिजनी प्लस हॉटस्टार यहाँ पे एक वेब सीरीज लाने वाला यशिनी के नाम से, उसे पॉकेट एफएम का कहना है कि डिजनी प्लस हॉटस्टार यहाँ पे एक यशिनी के नाम से वेब सीरीज लाने वाला है और पॉकेट एफएम पे ऑलरेडी यशिनी के नाम से एक ऑडियो सीरीज अवेलेबल है 2021 से। तो इनका कहना है कि इसके जो राइट्स हैं वो इनके पास में ऑलरेडी हैं और ये जो वेब सीरीज लेके आने वाले हैं जिसका कि ट्रेलर भी आ चुका है वो बहुत मिलती जुलती है इनकी ऑडियो सीरीज से, तो यहाँ पे कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है, तो इसी के अगेंस्ट में पॉकेट एफएम ने अभी केस दायर किया है और कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इस पर रोक लगाई जाए। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है, एग्रीटेक प्लेटफॉर्म देहात ने अपना पहला बायबैक प्रोग्राम पूरा कर लिया है। दोस्तों इसकी जो वैल्यू थी वो 10 करोड़ रुपीज बताई जा रही है। अगर डॉलर में बात करें तो ये 1.2 मिलियन डॉलर था जिसे अभी कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है, यहाँ पे आईपीओ बाउंड ओला इलेक्ट्रिक ने 100 करोड़ रुपीज की डेट रेस की है अपने आईपीओ से पहले। और दोस्तों बताना चाहूंगा, सेबी की तरफ से भी इन्हें आईपीओ की परमिशन मिल गई है, आईपीओ का अप्रूवल मिल गया है। इनका जो आईपीओ होगा वो तकरीबन 5500 करोड़ रुपए का होगा और बहुत जल्दी आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन 12 मंथ के सबसे लोएस्ट लेवल पे रही मई के महीने में। और दोस्तों नंबर्स की बात करें तो ये 4.75% थी अभी लास्ट मंथ यानी कि मई में। दोस्तों ये पॉसिबल है कि आप फ्यूचर में पतंजलि आयुर्वेद को भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए देखें, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी फर्म है रॉल्टा इंडिया, इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। अभी जो इनकी रिक्वेस्ट है वो एनसीएलटी के अंदर है, इन पर बिड लगाई जा रही है डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। पतंजलि आयुर्वेद ने भी इस पर 830 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अब सबसे ज्यादा बोली जो होगी एनसीएलटी जिसको डिसाइड करेगा उसे इस कंपनी की अंडरटेकिंग दी जाएगी, इस कंपनी का कंट्रोल दिया जाएगा। तो हो सकता है अगर पतंजलि आयुर्वेद को इसका कंट्रोल मिलता है तो आप भविष्य में पतंजलि को डिफेंस सॉफ्टवेयर बनाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है, पेटीएम और सैमसंग की पार्टनरशिप की न्यूज बाहर आने के बाद में पेटीएम की जो शेयर्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दी है। एक्चुअली में दोस्तों सैमसंग ने अपने वॉलेट पर फ्लाइट, बस, मूवीज और इवेंट टिकट्स की बुकिंग की सर्विस स्टार्ट कर दी है और दोस्तों इसे पेटीएम के साथ में कोलैबोरेशन स्टार्ट किया गया है, इसलिए जो इसके शेयर्स हैं पेटीएम के वो बढ़ते हुए दिखाई दिए थे गुरुवार के दिन। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है, रिलायंस जियो को इंडिया के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। दोस्तों अमेजन और इलॉन मस्क की जो कंपनी है वो काफी टाइम से इसमें लगे हुए थे, लेकिन अभी रिलायंस को इसके लिए अप्रूवल मिल गया है। अब बहुत जल्दी आपको सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस देखने को मिल सकती है रिलायंस की तरफ से। तो दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है ये ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर ट्राई कर रहे थे यहाँ पे, तो रिलायंस भी यहाँ पे लगा हुआ था, तो रिलायंस को सबसे पहले यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों, यहाँ पे अडानी ग्रुप ओन्ड कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने पन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज को 10,422 करोड़ रुपीज में एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों, यहाँ पे जेप्टो 3.5 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर 650 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस करने का ट्राई कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आ रही है, 361 ने टाइम्स इंटरनेट की ओनरशिप वाली वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ईटी मनी को 366 करोड़ रुपीज में एक्वायर कर लिया है।
नेक्स्ट न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है यहाँ पे, ताज होटल को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड डिक्लेयर किया गया है और दोस्तों इसे AAA+ की रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों यहाँ पे, आपको जल्दी हल्दीराम का IPO देखने को मिल सकता है। दोस्तों थोड़ा टाइम पहले कुछ बाहर की कंपनियां जैसे कि ब्लैक रॉक की तरफ से इन्हें खरीदने का ऑफर मिल चुका है। दोस्तों ब्लैक रॉक की तरफ से इनका जो वैल्यूएशन है वो $8.5 बिलियन लगाया गया था, लेकिन इनको जो है वो $12 बिलियन का वैल्यूएशन चाहिए था, इसलिए शायद वो डील आगे नहीं बढ़ सकी। अब ये IPO लाना चाह रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो इनके बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो कंपनी को सेल करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, 2023 में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इनको ऑफर दिया था 51% के स्टेक के लिए, $10 बिलियन का वैल्यूएशन लगाया गया था, लेकिन तब भी ये डील नहीं हुई थी। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।